इससे ऊपर तो कोई और ज्ञान रह नहीं जाता। जहां पर जाकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं वह है ब्रह्म धाम, वह ब्रह्म ज्ञान, वह ब्रह्म तक की प्राप्ति का। अब उसके पश्चात आत्मा को एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेवे, उसके पश्चात आत्मा मुक्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु से रहित हो जाता है, परम शांत धाम उसकी प्राप्ति वह कर लेता है। अब सब कुछ वह ज्ञान है, परंतु गुरु की शरण में आए। महाराज जनक ने तब जो कमी थी, वह गाथा लंबी हो जाएगी कि किस प्रकार सुखदेव जी को महल जल रहा है और ज्ञान गोष्ठी चल रही है ब्रह्म ज्ञान की। अधिकारियों ने आके बता दिया, महाराज वो महल जल रहा है। मुस्कुरा दिए और अपनी ज्ञान गोष्ठी जारी रखी। अष्टावक्र जी उसमें आते हैं और ऋषि मुनि उस ज्ञान गोष्ठी में नित इस ज्ञान गंगा में वे स्नान करते हैं। सुखदेव जी डावा डोल हो गए जब वह इस प्रकार विचलित देखे, तो महाराज जनक ने पूछा, सुखदेव क्या हुआ? महाराज जो आपका महल जल रहा है वही मेरा भी वास है, मेरा कमंडल, मेरी सोटी और एक मेरी धोती उसी में जल जावेगी। हंस दिए महाराज जनक, मेरा लाखों का महल जल रहा है और तेरी एक धोती कमंडल और सोटी तू उसकी चिंता करता है? वस्तु नाश से मन ना डुलाओ। गुरु ने ज्ञान क्या दिया? ये जो वस्तु का नाश होता है जीवन में, इससे मन को नहीं डुलाओ, क्योंकि यह छूट जाने पर भी, इसकी हानि हो जाने पर भी फिर प्राप्त हो सकता है। रुपया, पैसा, धन दौलत अगर यह छूट भी जावे, यह फिर प्राप्त हो जावेगा, परंतु यह समय उस ब्रह्म ज्ञान का फिर दोबारा जीवन में नहीं आवेगा। सब कुछ वापस आ सकता है, परंतु यह जो समय निकल जावेगा जिसमें मानव को ज्ञान प्राप्त होता है, यह दोबारा नहीं आता। यह समय निकला हुआ वापस नहीं आएगा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, व्यास पूजा सामने है, गुरु महाराज की वाणी जिनके शरण में हम दिन रात नाम सिमरन में, स्वाध्याय में, सेवा में, परहित परोपकार में जो जीवन बता रहे हैं, यह देन किसकी है? गुरुदेव की देन है। सन्मार्ग किसने दिया? गुरुदेव ने दिया। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का संदेश हम सब के लिए। अब व्यास पूर्णमासी समीप आ रही है। यह व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, मैं आप सबको इस पर्व पर विशेष संदेश देता हूं। हमारा परम लक्ष्य सर्वशक्तिमान जो एक है, उदित्य है, परम पुरुष वह ब्रह्म, वह धाम की प्राप्ति है, वह दयामय है, दयालु है। जो कोई भी उसकी अभिलाषा करता है, उसको पाना चाहता है,
वह विधि को अपनाकर नियम के अनुसार चल करके उस ब्रह्म धाम की उस सर्वशक्तिमान में स्वयं जाकर समा जाता है। गुरुओं के गुरु श्री राम ही है, वे ही परम गुरु हैं। परम गुरु श्री राम ही है, उस परम गुरु का पूर्ण प्रतीक परम पावन श्री राम नाम ही उसका नाम है। वही ब्रह्म है, वही सर्वशक्तिमान है, वही राम है। उसकी प्राप्ति विधि है, विधान है, उसका पालन करके हम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त बड़ी सुगमता से कर सकते हैं। उसकी प्राप्ति की जो विधि है, मन से नाम का जाप कर, उसका कीर्तन कर, उसका आराधन कर, उसकी पूजा कर, इस पूजा से गुरुदेव मार्ग दिखा रहे हैं। उसका कीर्तन, जाप, ध्यान, स्वाध्याय, पूजा, लाभ क्या होगा? इस पूजा से तुम्हारे सर्व पाप नाश हो जावेंगे। सर्व पाप नाश हो जावेंगे, जीवन पवित्र बन जावेगा, आत्म शक्ति जग जावेगी और हृदय में सद्भाव आप ही आप स्फुरित होने लगेंगे। अपने परम कल्याण का मार्ग, अपने परम कल्याण का मार्ग, वह पर्व का दिन व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा अपने परम कल्याण का दिन है। इस दिन इस पर्व पर पूजन परम पुरुष का पूजन है, उस दिन वह आपकी पूजा अवश्य स्वीकार कर लेता है और आपको पाप मुक्त कर देता है। इसमें आपको रत्ती भर भी संदेह ना होवे, ये मेरा अजमाया हुआ है। इस पर्व को हल्के में मत ले लेना। ये वर्ष में एक दिन आता है जब मानव अपने पूर्ण पापों से मुक्त हो सकता है, भावना सहित, श्रद्धा सहित, पूर्ण विश्वास के साथ इस पूजन में बड़ी भावना से, लगन से, प्रीति से सम्मिलित होना ही अपना कल्याण है। मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूं, गुरु महाराज कह रहे हैं इस पर्व को बड़े भाव चाव से करना। समय आ गया अपना उद्धार परम कल्याण करने का। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं,
गुरुदेव पूज्य स्वामी जी महाराज आपके पूजन पाठ में व्यास पूजा के पुण्य पर्व पर आपके पूजा पाठ में और जो आपकी कामनाएं होंगी आपकी जो भावना होगी उसमें मैं भी आपके साथ सम्मिलित होकर के जब आप पुष्पांजलि अर्पण करेंगे मैं भी आपकी तरफ से पुष्पांजलि परम गुरु को अर्पण करूंगा। आप सब पर श्री राम कृपा सदा बनी रहे। आप सबका मंगल आकांक्षी गुरु महाराज ने अपना नाम लिख दिया सत्यानंद। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये व्यास पूजा का पुण्य पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज के कथन का चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, ये सौदा बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। अन्यथा सिर देकर अगर गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भी सस्ता जान। गुरु महाराज ने तो हमारे को अपनी भावनाओं को, अपनी दृढ़ निश्चय विश्वास को ही, इसको ही पूर्ण रूप से एकाग्र करके उसके दरबार में जाने की प्रेरणा दी है। और वह इतना दयामय है, इतना कृपालु है, अपने सम्मुख आए के पाप ताप को सर्वथा नष्ट करके उसके परम पावन पवित्र बना करके उस योग्य बना देते हैं जिससे वह ब्रह्म धाम प्राप्त हो, जिससे श्री राम की प्राप्ति हो और देव आदि देव की प्राप्ति हो। अब वह गाथा कि गुरु चाहे तो सब परवान। अब गुरु हमारा उद्धार करवा